सीएम योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। सीएम सुबह 11:25 से 12:25 तक हवाई सर्वेक्षण करेंगे और मेरठ के औघड़नाथ मंदिर, बागपत के पूरा महादेव मंदिर और गाजियाबाद के दुग्धेश्वर महादेव मंदिर पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के जरिए की जाएगी। इससे पहले भी हमने मेरठ में देखा था, जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, वहां पर इसी तरह से पुष्प वर्षा सरकार की ओर से करवाई गई थी। योगी सरकार के निर्देश पर जगह जगह पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। हम आपको तीन जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें गाजियाबाद, मेरठ और बागपत की है। इन तीनों जगहों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए, हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बरसात की गई। तो देख सकते हैं इन तीनों ही तस्वीरों के जरिए सरकार के निर्देश के बाद किस तरह से अब फूलों की बरसात की जा रही है कांवड़ियों पर। कांवड़िए भी इसके बाद काफी खास महसूस कर रहे हैं। जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है, यानी कि मथुरा केस में अब अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य है और इसी के साथ हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7-11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। कोर्ट ने अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। जन्मभूमि विवाद में कोर्ट से केस चलेगा, हाई कोर्ट से अब ट्रायल शुरू होगा, अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। अब 12 अगस्त से सुनवाई होगी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। जगह है ना, भगवान आइडल देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी। कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7-11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहाँ फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीज़ें वहाँ पूजा हमने करके साबित कर दिया, यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, तनकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहाँ पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अगर बात दावों की करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है,
मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं, तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। यानी इन्हीं दावों के साथ हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार फिर हिंदू पक्ष की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हाईकोर्ट के फैसले का दोनों डिप्टी सीएम ने भी स्वागत किया है, जहां पर केशव मौर्य ने कहा जय श्री राम के बाद अब कोर्ट से ही जय श्री कृष्ण होने वाला है। तो यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा राम और कृष्ण हमारी विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं एक कृष्ण भक्त के रूप में। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है, और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं।